हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11 अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 को कंटिन्यू करते हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका नाम है क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देखो, ये जो टॉपिक है क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अदरवाइज 1 मार्कर तो जरूर आता है क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। देखो, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये टॉपिक मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। मैंने आपको एक निमोनिक भी दिया है एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लर्न करने के लिए। उस निमोनिक से आप 4 क्वेश्चन के आंसर्स लिख पाएंगे, तो मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर देख लेना, ताकि आपको एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाए। आज मैं आपको बता रही हूँ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यूजुअली क्या होता है कि बच्चे क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इन दोनों क्वेश्चन को सेम समझते हैं, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। तो क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, ये मैं आपको आज के वीडियो लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, ताकि आपका कोई भी की पॉइंट मिस ना हो। तो देखो, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में 4 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट आता है रिलायबिलिटी, दूसरा है रेलेवेंस, तीसरा है अंडरस्टैंडेबिलिटी, और चौथा पॉइंट आता है कंपेरेबिलिटी। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट की जानी चाहिए जो बिल्कुल क्लियर हो, जिसका बिल्कुल ऑर्डरली व्यू हो, जो सिस्टमैटिक हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो और प्रिसाइज हो। तो उसमें ये 4 क्वालिटी तो असेंशियल है, मैंडेटरी है। पहला क्या है, इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, दूसरा वो रेलेवेंट होनी चाहिए, तीसरा वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, और चौथा हम उन इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सके। तो ये 4 क्वालिटी क्या होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, मैं आपको 1 बाय 1 डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय, इसे हम कहते हैं फैक्चुअल। दूसरा मतलब होता है ट्रस्टफुल, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करनी चाहिए जो रिलायबल हो। रिलायबल यानी जिस पर आप ट्रस्ट कर सके, विश्वास कर सके, फेथ कर सके। रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स इट इज वेरिफिएबल, फ्री फ्रॉम बायस और फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर। देखो, रिलायबिलिटी कैसे ऑब्टेन की जा सकती है, जब ये तीनों पॉइंट मीट होते हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में रिलायबिलिटी होगी। पहला पॉइंट आता है वेरीफिएबल। वेरीफिएबल का मतलब क्या होता है, जब आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को टेस्ट करके, वेरीफाई करके, उसे प्रूव कर सके, उसे ट्रू कंसिडर कर सके, वो होती है वेरीफिएबल। जैसे देखो, आप कह रहे हैं कि इस साल हमने 35 करोड़ की सेल की है, तो आप इसे कैसे प्रूव करेंगे। 35 करोड़ की सेल में आप कह रहे हैं कि 20 करोड़ की सेल मेरी क्रेडिट है और 15 करोड़ की सेल मेरी कैश सेल्स है, तो आप इसे कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे प्रूव करके दिखाएंगे, कैसे इसे कंफर्म करेंगे। देखो, जब हम इसे चेक करेंगे तो क्रेडिट सेल को चेक करने के लिए आपके पास सेल्स इनवॉइस होगा। सेल्स इनवॉइस के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि आपने 20 करोड़ की क्रेडिट सेल की है, और जब आप कह रहे हैं कि मैंने 15 करोड़ की कैश सेल की है, तो उसे प्रूव करने के लिए आपके पास कैश मेमो होगा। तो देखो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं होता है जिसे आप कंफर्म ना कर सके, जिसे आप प्रूव ना कर सके, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन को प्रूव करने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, आपके पास प्रूफ होते हैं जिन्हें चेक किया जा सकता है, जिन्हें टेस्ट किया जा सकता है। समझ आया? तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो क्वालिटी की होती है जो वेरीफाई की जा सके, जिसे कंफर्म किया जा सके, चेक किया जा सके। दूसरा आता है फ्री फ्रॉम बायस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो
बायस फ्री हो, यानी उसमें किसी तरह का कोई पक्षपात ना किया जाए। देखो अकाउंटिंग में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जिनमें पर्सनल जजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन होंगे। इसी तरह से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो यहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग तरह के ओपिनियन देंगे, तो रिलायबिलिटी एंश्योर करने के लिए पर्सनल जजमेंट फ्री फ्रॉम बायस होने चाहिए, तभी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल होगी। तीसरा पॉइंट आता है फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर, यानी जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की जाती है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, तो उनमें किसी तरह की कोई मटेरियल एरर नहीं होनी चाहिए। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर, तो किसी तरह की कोई एरर नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज आपने सेल तो की है 5 लाख की, लेकिन आपने उसे पोस्ट कर दिया 50,000 रुपए, तो इस तरह की एरर अकाउंटिंग में नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा देते हैं। जैसे आपने फर्नीचर परचेज किया है, तो आप फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करने की बजाय आप परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो इस तरह की एरर हमेशा ओमिट की जानी चाहिए, इस तरह की एरर कभी भी कमिट नहीं होनी चाहिए, तब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल होगी। तो आपको समझ में आया, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में रिलायबिलिटी एंश्योर करने के लिए जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले वो वेरिफिएबल होनी चाहिए, यानी हम उसे टेस्ट कर सके, उसे वेरीफाई कर सके, फिर हम उसे वैलिडेट कर सके, उसे कंफर्म कर सके। दूसरा, उसमें किसी तरह का कोई पर्सनल जजमेंट नहीं होना चाहिए, वो फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट, उसमें किसी तरह की कोई एरर कमिट ना हो, तब वो इंफॉर्मेशन रिलायबल होगी। क्लियर? सेकंड पॉइंट आता है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब क्या हुआ कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, यानी इररेलेवेंट और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट टू यूजर्स एंड डिसीजन मेकिंग। देखो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है यूजर्स के लिए, क्योंकि उनको बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने होते हैं, जैसे मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है, फिर इन्वेस्टर्स को डिसीजन लेने होते हैं, क्रेडिटर्स को डिसीजन लेने होते हैं। इस तरह से जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं, उन सबको डिसीजन लेने होते हैं बिजनेस से रिलेटेड। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, अननेसेसरी और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को ओमिट करना चाहिए। अब देखो जैसे रेट ऑफ डिविडेंड पेड, ये एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये रेलेवेंट है इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर्स प्रीवियस ईयर के रेट ऑफ डिविडेंड को देख करके फ्यूचर डिविडेंड के बारे में वो फोरकास्ट कर सकते हैं, फ्यूचर रेट ऑफ डिविडेंड के बारे में वो डिसाइड कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो यूजर्स को हेल्प करे डिसीजन लेने में, फ्यूचर के बारे में वो डिसाइड कर सके, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, क्रेडिटर्स हो, लेंडर्स हो, गवर्नमेंट हो, बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, कोई भी यूजर हो, उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि वो बिजनेस से रिलेटेड प्रॉपर डिसीजन ले सके। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उसमें इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को ओमिट करना चाहिए। जैसे देखो, व्हाइल रिपोर्टिंग डेटर्स इन द बैलेंस शीट, इट इज टोटल अमाउंट ऑफ डेटर्स विच इज रेलेवेंट, नोट नंबर ऑफ डेटर्स। देखो जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो वहां पर हम टोटल नंबर ऑफ डेटर्स दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम नंबर लिखना शुरू कर देंगे डेटर्स के, कि हमारे 15 डेटर हैं, 20 डेटर हैं, 50 डेटर हैं, ऐसे नहीं होता है। हम कितनी अमाउंट टोटल है जो हमें डेटर्स से लेनी है, उस अमाउंट को स्पेसिफाई करेंगे। ये एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, ना कि हमें टोटल नंबर ऑफ डेटर्स दिखाने हैं। अगर हम हर डेटर का नाम लिखना शुरू कर देंगे, हर डेटर की अमाउंट लिखना शुरू कर देंगे, तो ये एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी। तो समझ में आया रेलेवेंस में क्या होता है, कि रेलेवेंस में हमें टोटल
टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि जो यूजर्स हैं वो डिसीजन ले सके बिजनेस से रिलेटेड। क्लियर। तीसरा पॉइंट आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सिंपल एंड लॉजिकल मैनर दैट यूजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। देखो, जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है यूजर को तो वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, लॉजिकल मैनर में होनी चाहिए, यानी वो कंसाइज्ड होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए और एक सिस्टमेटिक मैनर में प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि यूजर्स उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए और अपने डिसीजन ले पाए। और देखो, यहाँ तक कि जिन लोगों को अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में भी नहीं पता है वो भी उन इंफॉर्मेशन को विदाउट एनी डिफिकल्टी अंडरस्टैंड कर पाए। दिस कैन बी डन बाय गिविंग रिलेवेंट एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू एक्सप्लेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके लिए रेलेवेंट एक्सप्लेनेटरी नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेथड्स ऑफ डेप्रिशिएशन, मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजर्व्स। तो इस तरह के कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए रेलेवेंट एक्सप्लेनेटरी नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन यूज किया गया है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया है या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज किया है। इसी तरह से इन्वेंटरी वैल्यूएशन में कौन सा मेथड यूज किया है, लीफो मेथड यूज किया है, फीफो मेथड यूज किया है या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड यूज किया है। तो इस तरह के नोट्स अगर दे दिए जाए तो यूजर बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। इसी तरह से एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजर्व, कि रिजर्व की जो अमाउंट है उसको कहां पर यूटिलाइज किया गया है, एक्सपेंशन पर्पस के लिए कितनी अमाउंट यूज की गई है और कौन कौन से पर्पस है जहां पर रिजर्व की अमाउंट को यूटिलाइज किया गया है। अगर बिजनेस में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन या लॉस होता है तो उसके लिए भी एक रेलेवेंट एक्सप्लेनेटरी नोट की रिक्वायरमेंट होती है। तो समझ में आया, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो यूजर को अंडरस्टैंडेबल हो, वो सिंपल होनी चाहिए, लॉजिकल मैनर में प्रेजेंट की जाए ताकि यूजर उसको इफेक्टिवली यूज करके एक प्रॉपर डिसीजन ले सके। एंड लास्ट पॉइंट इज कंपेरेबिलिटी। देखो, कंपेरेबिलिटी ये एक यूजफुल क्वालिटी है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसे कंपेयर किया जा सके। अब देखो, कंपेयर हम दो तरह से करते हैं, एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, दूसरा होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। तो पहले हम लेते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। When current performance is compared with past performance, it is known as intra-firm comparison. जब हम current performance को compare करते हैं previous year के performance से तो उसे हम कहते हैं intra-firm comparison. जैसे देखो, इसे एक example से explain कर रही हूँ। Suppose आपके previous year में आए थे 85% marks और current year में आपने score किए हैं 90% marks. तो यहाँ पर आप अपने आप को ही कंपेयर कर रहे हैं, अपने करंट ईयर के परफॉर्मेंस को आप प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हैं कि इस साल मैंने स्कोर किए हैं 90% मार्क्स लेकिन 10th में मैंने स्कोर किए थे 85% मार्क्स। तो यहाँ पर आपका अपने आप से ही कंपैरिजन है, कोई दूसरा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह से फर्म भी कंपैरिजन करती है अपने प्रेजेंट परफॉर्मेंस को पास्ट ईयर के परफॉर्मेंस से, उसे हम कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। जैसे देखो, कंपनी की प्रीवियस ईयर की सेल थी 15 करोड़ और करंट ईयर की टर्नओवर है 25 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी की टर्नओवर में 10 करोड़ से इंक्रीज हुआ है, तो ये है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। यानी जब करंट ईयर के परफॉर्मेंस को प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है तो उसे हम कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। समझ में आ गया आपको इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या होता है? इसमें फर्म प्रेजेंट परफॉर्मेंस को प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस से कंपेयर करती है। जरूरी नहीं है कि पिछले साल से ही कंपेयर करे, हो सकता है पिछले 2-3 सालों से भी वो प्रेजेंट परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकती है। लेकिन
When one enterprise performance is compared with other enterprises known as inter firm comparison. देखो इंटर फर्म कंपैरिजन में क्या होता है कि एक एंटरप्राइज को दूसरे एंटरप्राइज से कंपेयर किया जाता है, वो होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन में क्या होता है कि एक फर्म दूसरी फर्म से कंपेयर करती है, चाहे वो प्रेजेंट ईयर का परफॉर्मेंस हो चाहे वो प्रीवियस ईयर का परफॉर्मेंस हो, लेकिन यहाँ पर दो फर्म के बीच में कंपैरिजन होता है। जैसे देखो इसे मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ। सपोज ये है आप और ये है आपका फ्रेंड जिसका नाम है राम। आपने स्कोर किए हैं 90% मार्क्स और आपके फ्रेंड राम ने स्कोर किए हैं 86% मार्क्स। तो ये जो कंपैरिजन है ये होगा इंटर कंपैरिजन। यहाँ पर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है, आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड से। समझ में आया दोनों का डिफरेंस, इंटर कंपैरिजन और इंट्रा कंपैरिजन। इंट्रा कंपैरिजन में क्या होता है कि आप अपने आप को ही कंपेयर करते हो, आप अपने करंट परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हो प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस से। लेकिन इंटर कंपैरिजन में क्या होता है कि आप कंपेयर करते हो दूसरे पर्सन से। जैसे आपने तो 90% स्कोर किया है लेकिन आपके फ्रेंड के 86% मार्क्स आए हैं, तो ये होगा इंटर कंपैरिजन। इसी तरह से एक फर्म दूसरी फर्म को कंपेयर करके ये पता लगाती है कि वो प्रोग्रेस कर रही है या वो डिक्लाइन। जैसे सपोज आपकी फर्म है फर्म ए और आपके फ्रेंड की फर्म है बी। आपकी फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है 15 करोड़ और आपके फ्रेंड की फर्म बी प्रॉफिट अर्न कर रही है 10 करोड़। तो यहाँ आप अपनी फर्म को अपने दोस्त की फर्म से कंपेयर करके ये पता लगाते हैं कि हमारी फर्म का प्रॉफिट ज्यादा है या फिर दूसरे की फर्म का। तो यहाँ आपकी जो फर्म ए है उसका प्रॉफिट है 15 करोड़, तो ये ज्यादा प्रॉफिट है, इसका मतलब आपकी फर्म प्रोग्रेस कर रही है, आपकी फर्म इम्प्रूव कर रही है। तो इंटर फर्म कंपैरिजन में हमें स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स का पता लगता है जब हम दूसरे से अपनी फर्म को कंपेयर करते हैं। क्लियर? तो होपफुली आपको इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन ये दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि कंपेरेबिलिटी ये एक बहुत यूजफुल क्वालिटी है, बहुत यूजफुल एट्रीब्यूट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। क्लियर? होपफुली आपको चारों क्वालिटी अच्छे से समझ में आ गई होगी अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स की। प्लीज लाइक माय वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल और नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। थैंक यू सो मच।